तो गाइस कैसे हो सारे? कोरोना गया नहीं, बर्ड फ्लू आ गया। चिकन विकन खा नहीं पा रहे होंगे, मजे आ रहे होंगे। अरे माँ चुदी पर लास्ट वीडियो जो तुमने प्यार दिखाया ना भाई, मजा ही आ गया। मन कर रहा है नंगा होके नाचूं। तेरा अब्बू का लुंगी में ठंड बहुत है बहन चोद। तो आते हैं आज के हम मेन टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे सॉन्ग्स के बारे में। नो, बॉलीवुड पे नहीं भाई, हम कभी भी कॉपीराइट आ सकता है भाई, इस पर कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे भोजपुरी सॉन्ग्स के बारे में। तुम लोगों तो पता है कि भोजपुरी सॉन्ग्स होते कैसे, ये कैसी आवाज है भाई। अरे कल्लू भाई आप फिर से, मेरा मतलब कैसे भोसड़ी के माधव चंद, अगर तूने भोजपुरी सॉन्ग्स के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मैं तेरी यही कान मार दूंगा। लेकिन मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ ना भाई। रियलिटी गई माँ चुदाने, बट कंटेंट समझ नहीं आ रहा तुझे। ठीक है अब नहीं बनाऊंगा। मतलब तू बनाने वाला था ना? ना नहीं ना हाँ। अटक क्यों रहा है? मतलब तू सच में भोजपुरी सॉन्ग्स पे वीडियो बनाने वाला था? बोल कुछ, क्या बोलूं, आवाज ऊंची करके बोलेगा तो आप बताओ कल्लू भाई कि मैं क्या बोलूं। ये भी मैं बताऊं कि क्या बोलना है? सॉरी कल्लू भाई, पहले गलती करता है फिर सॉरी बोलता है। सॉरी भाई, अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा। मतलब बाद में गलती करेगा? सॉरी भाई। नाम कौन लेगा? सॉरी कल्लू भाई। कल्लू के पहले नहीं, कल्लू के बाद सॉरी। कल्लू भाई सॉरी। कल्लू के बाद और भाई के पहले सॉरी। कल्लू सॉरी भाई मेरे। इतना बोला है उतना ही बोल। अब बोलेगा? सोच क्या रहा है? भोजपुरी इज द बेस्ट, नेशनल एंथम होना चाहिए भोजपुरी सॉन्ग। इंटरनेशनल एंथम होना चाहिए भोजपुरी सॉन्ग। ग्रैमी दिलाओ कोई भोजपुरी सॉन्ग को, ग्रैमी दिलाओ। ये सही है, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, यही बैठूंगा तेरे पे नजर रखूंगा। तो हम बात करेंगे भोजपुरी सॉन्ग्स की, जो कि बहुत अच्छे होते हैं। आओ देखते हैं। पहली बात तो ये अनिल सर का ग्रुप यहाँ कहाँ से आ गया? और आ गया तो ठीक, बट ये सॉन्ग क्या है भाई? अंडे जी का बेटा हूँ, चुम्मा चिपक के लेता हूँ। ये क्या मतलब है? क्या मतलब तुम्हारा बाप अंबानी है? मतलब पांडे जी के बेटे हो, मतलब कुछ भी करोगे, वो भी खुले आम, कोई डर ही नहीं है। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। A few moments later, पांडे जी का बेटा हूँ, चम्मा चिपक के लेता हूँ। हाँ पांडे जी का बेटा हूँ, चम्मा चिपक के लेता हूँ। कट। ये तो रात भर मचा किया है, पलंगिया है पिया। सोने नदिया यार, तो चारपाई पे सोनो। क्या यार गांजा फूक के लिरिक्स लिखते हो क्या? मतलब जो भी बात हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है, उस पर गाना ही बना दिया डायरेक्ट। यार अच्छे कंपनी का चारपाई लो ना यार, अच्छे कंपनी का बेड लो ना यार, खराब कंपनी का लोगे तो यही होगा। और ये इनकी फेवरेट जगह है, जब कुछ नहीं करते तो ये करने लगते हैं। No, God, please, no. इस सॉन्ग में ये लड़की अपने सुहाग रात के बारे में बता रही है, वो भी कैसे देखो जा। पहले घूंघटा उठाया, फिर बेड पे सुलाया, और कमर में दर्द दिया। देख रहे हो, यही है हमारे देश के संस्कार। बेस्ट संस्कार है, बेस्ट संस्कार है, बेस्ट संस्कार है।
पहली बात, दिया मैंने बुताया था और तू कौन है, तेरे से क्या मतलब? वो चाहे लूडो खेले या लूडो खेले, तू कौन होता है उनकी लाइफ में घुसने वाला? अपना काम करने यार, कहाँ फालतू चीजें में घुसे पड़ा है तू। A few moments later, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में, कैसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात में। सब जानना है इस बड़वे को, ये भी इन्हें जानना है यार। शादी कर खुद पता चल जाएगा ना, इमेजिनेशन से कब तक खिलाएगा। मुट्ठल आदमी का कोई ईमान नहीं होता, कुछ भी पूछ लेते हैं। प्लीज डीजे, ये है असली भोजपुरी स्टार। लोगों को हिचकी आते हैं इसको डीजे डीजे आता है। इनके अलग ही डिमांड है भाई यार, हद है यार। ऐसे तो कभी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास खत्म होगी नहीं यार। ऐसी गर्लफ्रेंड मुझे भी चाहिए जो सेटिंग करा के जाए। ये लोग बात भी ऑटोट्यून और गाने के रूप में ही करते हैं भाई। पहली बात, सिर्फ आ में ही 4 सेकंड निकल जाते हैं। और दूसरी बात, गर्लफ्रेंड है या दलाल, ऐसा नहीं होता है यार। A few moments later, जाए सिर्फ अकेले ससुर वाला बना, साखी से तू कदा कह जा जा जा। क्या बातें कर रहा है? ये होता है कुर्ती और ये होता है कूलर, ये इसमें फिट कैसे होगा? मतलब सेंस की तो एकदम मार चोट दी है भैया जी। अब मुट्ठ गिरने के बाद की खुशी, शकल तो देखो, आए हाय। से कम नोट तो असली उड़ा लेते यार, बाद में उठा भले लेते हैं मतलब, लेकिन नहीं, बकचोदी करा लो। इधर समझ में आ रहा है कि नकली नोट है, इतने बड़े होते हैं क्या तुझे जाके नोट। A few moments later, बरस जो रोता लाइट बढ़नी मारो मुन। ऐसे हौसी लोगों के सामने क्यों नचा रहे हो बेचारी को? शकल देख रहे हो उनके, और इस साले का हाथ कहाँ है? और ये तो साला सो ही गया है। कट कट कट, हेलो, क्या 8वां बच्चा? मुझे मेरी बीबी से मिले हुए 5 साल हो गए और उस समय तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे, तो क्या 6 बच्चे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आ गए हैं? जाना मत, मैं रुकी वही रुक, मैं अभी आता हूँ। ए गाना बंद मत करना, मैं गाना बंद मत करना, मैं अभी आता हूँ, जल्दी जाना होगा। बहनचोद कुछ तो शर्म करो, कुछ भी दिखा रहे हो, मतलब हद है यार। और ये छम्मक छल्लो वाली मूवमेंट और दे रहे हैं। A few moments later, हल तोर जवानी छोरा ता काहे पानी, साला खुद पानी डाल के पूछ रहा है छोरा ता काहे पानी। अच्छा हुआ इसमें कालू भाई का डांस नहीं था, नहीं तो हमारा लहंगा में कोरोना वायरस भूषण पावे हो, हमारा लहंगा में कोरोना वायरस भूषण पावे हो। कुछ भी यार, आज उस औरत की बातों पे मुझे विश्वास हो गया कि उसने सच में कोरोना देखा था। दिखता है? अच्छा, लाल रंग का, लाल आधा लाल आधा नीला, जिसने नहीं देखा वो भी बेटी चोर। बस हो गया यार, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, एक हद होती है, मेरा हद भी वो पार हो गया है भाई। यार हैप्पी बर्थडे है मेरा यार, थप्पड़ खिलवा दिए, नंगा नाच करवा दिए, अब
अब और क्या कराना बाकी रह गया है। क्या वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे चैनल को बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे जब भी वीडियो मैं डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। एंड कमेंट बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ट्विटर पे भी फॉलो कर लेना, अपनी ज़मीन मेरे नाम कर देना, अपनी गर्लफ्रेंड भी मुझे दे देना, और वाइफ होगी तो वो भी चलेगा, ज़्यादा डिमांड नहीं है अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।